हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी फ्रेंड अपर्णा, और जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि मैम थोड़ा डल लग रहा है हमें स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चंस में, मैं उन्हें लेके आ गई हूं आपके लिए। और एक क्वेश्चन मैंने ब्लैक रिलेशन का भी रखा हुआ है, और उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं कि पेपर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। और जो लोग पेपर से बहुत अभी तक के पेपर से बहुत मायूस हो चुके हैं, और जिनको बस ये है टारगेट किसी तरह बस जॉब मिल जाए, मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, संघर्ष से डरिएगा मत, करते रहिए, क्योंकि प्रयास जो है ना वो हमेशा करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहिए, क्योंकि सफल हुए तो नेतृत्व करोगे, और असफल हुए तो क्या हुआ, मार्गदर्शन तो करोगे ना। और वैसे भी जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए पूरे जोर शोर से अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें स्टेटमेंट और एजम्पशन में क्या होता है कि 3 से 4 टाइप के चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। तो हमने क्या कोशिश किया है कि अभी पेपर है आपका, इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं हो सकती, तो मैंने हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि पहला आप देख रहे हो, स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन कि भारत की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। ये आपका कथन है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं इसमें। पहला, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, ये पहला है। दूसरा, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक। तो देखिए, भारत की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, ये कथन है आपका, ठीक, स्टेटमेंट है। आपको इसका निष्कर्ष निकालना है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं? नहीं, देखिए, भारत की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, ठीक है। इस कारण की वजह क्या है आपको ये बताना है। तो वजह ये थोड़ी ना है कि देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, वजह ये है कि मतलब निष्कर्ष ये है, देखो, वजह तो ये है कि बेरोजगार है, इस वजह से निर्धनता जो है वो भारत में बहुत ज्यादा है। लेकिन आपसे कारण नहीं, निष्कर्ष पूछा है, कंक्लूजन कि इस वजह से अब क्या होगा। तो निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, दिमाग में ये रखना है कि हमारा कथन जो दिया हुआ है, उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, निष्कर्ष पूछा जा रहा है, कार्यवाही पूछी जा रही है, कारण पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हमें ये चीज देखनी है। इसमें निष्कर्ष पूछा जा रहा था, ठीक, कि उसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन यही होगा कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक। ये क्यों नहीं होगा, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है, ये कारण है ना कि निष्कर्ष। अगर कारण पूछा जाता तो ये होता कि हाँ, लोग बेरोजगार हैं, इस वजह से भारत जो है वो गरीब है या भारत में निर्धनता है, तो ये कारण है, ठीक, निष्कर्ष नहीं। दूसरे पे आते हैं हम लोग, सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ये हमारा कथन है, ठीक। अब इसकी पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा क्या होती है कि हमने अपने दिमाग में पहले से कुछ सोचा, ठीक है, कोई धारणा बनाई, अब उसके बाद हमने कोई चीज कही। तो आपको बताना है कि ये जो कथन कहा गया है, इससे पहले क्या सोचा गया था। तो इसके लिए सबसे, देखिए, इसका कोई रूल नहीं है अगर मैं आपसे कहूं, और अगर देखा जाए तो सिर्फ एक रूल है कि आपको जो करना है आप खुद को उसी जगह रख लीजिए, ठीक है, उसी जगह खुद को रखिए। रखने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप ये बताओ, इसमें लिखा है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, ठीक है, अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है इसीलिए सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, क्या ऐसा है? बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है तो वो समाचार पत्र पढ़ना पसंद करेंगे। देखिए, इनका और इस
देखिए कई बार क्या होगा कि जो दो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे वो इतने ज्यादा क्लोज होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से है कौन सा। तो इसको बहुत हिसाब से बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो खुद से सवाल करके कि आखिर ये क्यों नहीं हो सकता। और ऐसे वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, एलिमिनेशन रूल को फॉलो करिए। एलिमिनेशन रूल क्या होता है, ये मत देखिए कि कौन सा हो सकता है, आप उल्टा देखिए इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। दो है, एक नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली दूसरा वाला फिट हो जाएगा, ठीक है। सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, इससे पहले यही धारणा हुई होगी कि प्रत्येक समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं भाई, इसीलिए तो सभी लोग समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। अगर समाचार पत्र पढ़ने के लिए नहीं होंगे तो लोग पढ़ेंगे क्यों, ठीक। क्योंकि शिक्षित जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट आपका चला गया। अब थर्ड पे आते हैं, आपने एक निष्कर्ष वाला कर लिया, एक पूर्व धारणा वाला कर लिया, और अब हम आते हैं कार्यवाही वाला, ठीक है। रेलवे विभाग के कर्मचारियों, ये मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, रेलवे से ही लिया हुआ क्वेश्चन है ये, आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए थे उन्हीं में से किसी सेट में आया था, रेलवे के ही पेपर में, कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन दुर्घटना हो रही है। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट इसमें जो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कार्यवाही वाले, इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्या लिखा है, सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए, पहला। दूसरा, सरकार को रेलवे विभाग को पूर्णतया कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए। आप हमसे गलती कहाँ होती है वो सुनिए, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा इमोशनल होके सोचने लगते हैं कि सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर यहाँ तक होता ठीक था, आगे इसीलिए इंक्लूड किया गया है एवं नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको चीजों को पर्सनली लेके बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। प्रोफेशनली सोचना है कि आखिर क्या होगा। देखो, रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही हुई थी ना, जिस वजह से दुर्घटना हुई थी, तो ये बताइए कार्यवाही किस पे की जाएगी। अरे कंप्यूटरीकरण क्यों किया जाएगा, सरकार रेलवे विभाग की थोड़ी ना गलती थी, गलती तो कर्मचारियों की थी, उनकी लापरवाही की वजह से ही दुर्घटना हुई थी। तो फिर जो भी कार्यवाही होगी वो सरकारी विभाग रेलवे विभाग पे ना होकर उसके कर्मचारियों पर होगी, ठीक है। तो सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उन्हें नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए, यही कार्यवाही होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर देखें तो क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं वो अब लापरवाही नहीं बरतेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ये डर आ जाएगा कि अगर हमने अब लापरवाही की तो हमारी नौकरी चली जाएगी, ठीक है, हमें नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, सरकार ने जो भी रेलवे विभाग के कर्मचारियों की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अब क्या होगा, सरकार उन पे कंट्रोल कर लेगी और वो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं जो लेवल है उनका वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड पे आते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया था, सरकार को रेलवे विभाग को पूर्णतया कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए, कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटरीकरण उसका कर देना चाहिए। देखिए, अगर रेलवे विभाग कंप्यूटराइज हो जाएगा पूरी तरीके से तो उससे फायदा क्या होगा। अगर रेलवे विभाग कंप्यूटरीकृत हो गया, ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटराइज हो गया, तो फायदा तो उससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्मचारी है वो वापस से लापरवाही करेंगे, दुर्घटनाएं जो है वो वापस से होती रहेंगी, तो उनमें कोई भी रोकथाम नहीं लग पाएगी, ठीक। इस वजह से ये नहीं हो सकता, और क्योंकि ये नहीं हो सकता है इसलिए ये पहला वाला आपका सही होगा, ठीक। तो इनको जो एक मैं आपको बताऊं, जो शॉर्टकट आप समझ लीजिए, ठीक है, कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो भी आपको दिया जाता है पेपर में उसको सबसे पहले तो खुद पे रख के देखिए, ठीक, पर्सनली होके नहीं, प्रोफेशनली सोचिए कि अगर ये चीज कही गई है और पूर्व धारणा पूछा गया है तो मतलब इससे पहले क्या सोचा गया था जिसके बाद ये कथन को कहा गया, पहला पूर्व धारणा। दूसरा, अगर कार्यवाही की बात की गई है तो जो भी कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, ठीक, जो उसमें पहले से दिया होगा कथन में। अगर नहीं होता है, कभी कभी कुछ कथन नहीं, मान लीजिए उसमें परिणाम आपका नहीं दिया है, तो
कार्यवाही जो भी होगी वो उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा परिणाम उसको रोकने के लिए होगी। ठीक, तो पहले देख लीजिएगा कि कौन सा परिणाम निकल के आया है, फिर कार्यवाही में क्या होगा, तो उसको रोकने के लिए जो भी चीजें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से वो जो हुआ है वो रुक जाए, वही जो है उसकी सही कार्यवाही होगी। फिर अगर हम कहते हैं निष्कर्ष की बात, तो देखिए निष्कर्ष और कार्यवाही इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही कथन के बाद होती है, कार्यवाही की जाती है उस कथन से जो रिजल्ट निकल के आता है उसे रोकने के लिए कुछ कार्यवाही की जाती है उस पर। ठीक है, तो और ये जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष का मतलब ये है कि कोई भी एक कथन कहा गया, अब उसका क्या परिणाम निकला, अब वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं मतलब है कि किसी को सजा दी गई क्या कार्यवाही की गई, नहीं, हमें मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो कथन है उसका लास्ट में जो निष्कर्ष जो कंक्लूजन आया है वो क्या निकल के आया है। ठीक है, तो क्योंकि पेपर है अभी आपका इसलिए मैंने इसकी इस अलग से पूरी एक क्लास नहीं बनाई है, अगर प्रॉब्लम होती है तो रेलवे के लिए मैं बाद में कर दूंगी, क्योंकि अभी आपका पेपर 22-23 तारीख में है, इसलिए तीन चैप्टर के तीन अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ कवर करने की हमने कोशिश की है। आप हमारे फ्रेंड ने ये बोला था कि मैम हमें ब्लड रिलेशन से डर लगता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हाई नहीं आता है, बहुत टफ भी नहीं आता है, जो आता है वो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने मेरी अगर पहले आपने पढ़ा है मेरे से तो आपको पता होगा ब्लड रिलेशन, और नहीं भी आपने अगर देखा है पढ़ा है तो देखिए कुछ भी उसमें करना नहीं है आपको, जो इसमें जो अभी पेपर में आने वाला है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर किसी मेल की बात की जा रही है, ठीक है, अगर किसी मेल पर्सन की बात की जा रही है तो उसे प्लस से डिनोट करेंगे, अगर किसी पुरुष की बात की जा रही है, और अगर किसी महिला की बात की जा रही है तो आप उसको माइनस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपसे ये कहा गया सेम जनरेशन की बात की गई है, सेम जनरेशन का मतलब क्या हुआ, हम हैं, हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, अब भाई बहन हमारे कजन हैं, हमारे रियल हैं, कैसे भी हैं, ठीक, वो जो है वो सेम जनरेशन में आएंगे, उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, जैसे आप हैं और आपके भाई हैं, मान लीजिए ए है, ए का कोई भाई है बी, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए का भाई बी है तो हमने ऐसे बी पे प्लस का साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि बी जो है वो भाई है। और एक चीज जो मोस्टली गलत होता है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि जो चीजें गलत होती हैं, मान लीजिए ये दिया है कि ए का भाई बी है और क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि ए का बी से क्या रिश्ता है, तो बिल्कुल भी ये नहीं लिखिएगा कि ए जो है वो बी का भाई होगा या ए जो है वो बी की बहन होगी। क्या होता है, कभी कभी हम अपने आप को इस जगह रख लेते हैं, ठीक, और अपने आप को रखने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ ये भाई है, तो हम क्या करते हैं, आपने अपने आप को लिखा रखा यहाँ पे और पूछा गया ए का बी से रिश्ता, आप तुरंत लिख दोगे भाई, कहाँ दिया है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं है तो दो संभावनाएं होती हैं, या तो भाई होगा या बहन होगा, तो सिर्फ ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन ये होगा, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, अगर ये हुआ कि ए जो है वो बी का क्या रिश्ता है, पहला दे दिया भाई और दूसरा दे दिया बहन, ठीक है, और ए अगर ऐसा हुआ और तीसरे में आपका दिया हुआ या तो पहला या दूसरा, ठीक, और लास्ट में आपका ऑप्शन दे दिया गया निर्धारित नहीं कर सकते, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक, ये वाला दे दिया, तो अब आप इसमें क्या टिक करोगे, ये तो कंफर्म है कि ए जो है वो बी का या तो भाई होगा या बहन होगी, ठीक, ये कंफर्म है, तो अब या तो भाई होगा या बहन होगी, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा आपका, उसमें निर्धारित नहीं कर सकते, ये नहीं टिक करेंगे आप, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा आपको, ठीक, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये तीन ऑप्शन के बाद जो चौथा ऑप्शन है वो दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तब आप उस कंडीशन में ये टिक करेंगे। ठीक, तो ये मैं कुछ वैसा जल्दी जल्दी कहते हैं ना, हमारे जैसा कि चैनल का ही नाम है स्मार्ट एजुकेशन, तो स्मार्ट एजुकेशन को क्विकली क्विकली हम लोग कर रहे हैं जल्दी से तेजी के साथ। तो देखिए इसमें ये गलतियां जो हो सकती हैं वो हैं, और ब्लड रिलेशन से बाकी ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो आया हुआ था इसी टाइप का क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी एक ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि थोड़ा सा उस फॉर्म में पजल के फॉर्म में कह सकते हैं, वैसे इतना टफ इसमें आता नहीं है, कि ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सी की पत्नी है, तो आपको एक चीज याद रखना है इसमें, जिनको नहीं पता है
कि भाई और बहन को तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे एक सिंगल लाइन से, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये कहा गया कि सी जो है वो बी की पत्नी है, तो हम उसको डबल लाइन से डिनोट करेंगे। और क्योंकि सी जो है वो पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगा। और एक चीज, अब यहाँ मत कहिएगा कि बी का क्लियर नहीं है जेंडर, भाई सी जो है वो वाइफ है तो बी ऑब्वियसली हस्बैंड होगा, यानी प्लस से हम डिनोट कर देंगे, ठीक। अब इस पे आते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, ठीक। आप ये जो वर्ड लिखा हुआ है तुम्हारे, इसको गौर करिए, ये तुम्हारे किसके लिए कहा गया है। उस पुरुष ने उस औरत से कहा ना तुम्हारे, तो यहाँ पे वो औरत आ गई, ठीक। माइनस का साइन लगाया उसको, अपने आप से कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, हमने मान लिया ए कर लिया, ठीक। तुम्हारे इकलौते भाई, तो इसका इकलौता भाई कोई हो गया, प्लस का साइन लगा दिया, इकलौता भाई है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, क्या बोला है इस औरत से कि तुम्हारे इकलौते भाई, ठीक है, इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। अब देखिए वो जो पुरुष होगा वो कहीं ना कहीं इस जनरेशन में होगा, और कहा क्या गया है तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, इनका इकलौता भाई ये है, ठीक। इकलौता भाई कहा है, ये नहीं कहा कि ये दोनों जो है सिर्फ एक भाई बहन है, कहा गया है इकलौते भाई की बहन जो है वो मेरी माँ है। अब वो लड़का इसका इनका भी बेटा हो सकता है, और हो सकता है इनकी कोई एक और बहन हो जाए और ये लड़का जो है वो उसका हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको ये मत सोचिएगा कि ये कहा गया है तो ये इसी का लड़का होगा, ठीक। क्योंकि क्या कहा गया है, भाई इकलौता है, ये नहीं कहा गया कि बहन भी इकलौती है या एक ही भाई बहन है, ठीक। तो अब हमसे नहीं मतलब वो इनका बेटा है या यहाँ पे एक और इनकी बहन है वो उनका बेटा है, हमसे क्या मतलब है कि ये बेटा किस जनरेशन में है। ये बेटा नीचे वाली जनरेशन में है इसमें, ठीक, जो की बात कर रहा है। अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा उस औरत का, ये जो औरत है क्योंकि इसी से उसने बात कहना शुरू किया था, इस औरत का, इस ये जो लड़का है इसकी नानी। अब नानी कौन होगी भाई, इसकी माँ इस जनरेशन में होगी और नानी उससे आगे वाली जनरेशन यानी उसके ऊपर वाली जनरेशन में होंगी, ये होंगी नानी, ठीक। अब उसने पूछा क्या है, उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, किस औरत का जिससे वो बात कर रहा है, तो इस औरत का उसकी नानी से क्या रिश्ता है, उसकी नानी की ये औरत क्या हो गई, बेटी हो गई। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, पुत्री। ये क्वेश्चन जो है उसको रखने का एक रीजन जो था वो सिर्फ इतना था कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था इकलौते भाई वाला, ठीक, कि इकलौते भाई की बहन है, और यहाँ पे दो संभावनाएं बन रही थी, एक ये लड़का इनका बेटा है और दूसरा ये इनका बेटा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रखा। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप ब्लड रिलेशन का सॉल्व कर रहे हैं तो इसको अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा कि जितना दिया गया है उतना तो करना है, लेकिन उसकी जितनी भी संभावनाएं बन रही हैं उनको आपको लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके पेपर के लिए। थैंक यू।